अफ्रीका में रमजान ईद का चांद फोन पे गवाही मिली। काजी ने और मोजम्बिक रेडियो में ईद का ऐलान कर दिया। चार या पांच लोगों ने ईद नहीं की, 30 रोजे पूरे किए और हमने हमारे घर पे ईद की नमाज का इंतजाम किया और सब ईद की नमाज की दावत दी। बाकी सब ने रमजान के 29 रोजे पूरे किए और ईद नमाज अदा की। क्या हम चार या पांच लोग ईद की नमाज का ऐलान करके दूसरे दिन ईद की नमाज अदा करें, या फितने के डर की वजह से ईद की नमाज का ऐलान न करें? ईद की नमाज का ऐलान करें तो फितने का डर है, तो क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने रमजान के 30 दिन पूरे किए और टेलीफोन की खबर का ऐलान न किया, उन्होंने सही किया, उन पर ईद का ऐलान या दूसरे दिन की नमाज पढ़ने का वाजिब नहीं है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।